हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। क्या मैं लाइव हो चुका हूँ? एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ, मैं लाइव हो चुका हूँ। तो गाइस, आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। और ये हमारी क्लास है ESIC की। इसका थंबनेल बना है नॉर्मल, बट ये क्लास नॉर्मल नहीं है। हमने जो पेड कोर्स आपके लिए प्लान किया था ऑन द अनअकैडमी, तो टैगिंग ना होने की वजह से वो क्लास लाइव नहीं हो पा रही है। तो हमने अपनी क्लास YouTube पे लाइव कर दी है। दोस्तों, ये क्लास आपके पेड बैच वाली ही है, कंटेंट पूरा पेड बैच वाला ही है। और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर होने वाला था नेशनल अपॉइंटमेंट। कल हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, फिर हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर, और बीच बीच में स्टैटिक जीए की क्लास आपकी होती रहेगी, बिल्कुल पेड बैच के अकॉर्डिंगली। तो ये क्लास डिपेंड करेगी आप लोग कितना क्लास में आ भी रहे हो। ध्यान देना, कॉन्टेंट मैंने बना लिया है पूरा पेड बैच का अच्छे से। आप लोग क्लास में आएंगे, क्लास आपकी प्रॉपर चलेगी। क्लास में नहीं आएंगे, क्लास नहीं चलेगी प्रॉपर, है ना? सिंपल सा मतलब है। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। गुड आफ्टरनून। और मैं फिर यही बोलूंगा कि यार, वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, सब लोग शेयर कर दो, ताकि प्रॉपर आपको क्लास मिलती रहे। और लेकिन हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अपने बैचेस के बारे में। तो गाइज, अनअकैडमी पर आपके लिए प्रॉपर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं लाइव आज से, और काफी बैच लाइव हो रहे हैं। यानी अगर आप लोग बेसिक से तैयारी कर रहे हो बैंक एग्जाम की, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आपको हमसे पढ़ना है टीम एपी से, तो हमारे बच्चे 16 से लाइव हो रहे हैं, 16 तारीख से, ठीक है? चारों एजुकेटर के हमारे, तो हम उसकी बात भी करेंगे आपसे। तो अनअकैडमी पर पढ़ाई करने से आपको फायदा यह मिलता है कि आपको 70 प्लस एजुकेटर पूल मिलता है, और आपको 30 प्लस अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं क्लास के एवरी मंथ। इतने सारे बैच स्टार्ट होते हैं दोस्तों, जैसे ये एक बैच है हमारा, दो बैच, दूसरा, तीसरा, उसके अलावा भी बहुत सारे बैच हमारे। तो अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो, तो आपको दोस्तों फुल्ली सिलेबस कवर किया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स पढ़ाएंगे आपको, PDF स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा आपको, वीकली क्विज मिलेंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे आपको। दोस्तों, अनअकैडमी को आपको ज्वाइन करना कैसे आप करेंगे, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, सुनिए बहुत ध्यान से। अनअकैडमी में आपको मिल रहा है आइकॉनिक फीचर। इस समय आइकॉनिक फीचर का मतलब यह होता है कि अगर आप अनअकैडमी में पढ़ाई करते हो और आप इसके थ्रू एडमिशन लेते हो, तो आपको डाउट सॉल्विंग में और रेज द हैंड में प्रायोरिटी मिलती है। तो कैसे हम ज्वाइन करें दोस्तों? अगर आप अनअकैडमी परचेस करते हो, तो इस समय प्लस और आइकॉनिक दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। आइकॉनिक की फीस थोड़ी ज्यादा है, 2 साल की फीस यहां पे है 9000 समथिंग, यहां से 9360, ठीक। और 1 साल की फीस है 7800 रुपए। और यहां पर अगर आप हमारा कोड AVP10 लगाएंगे, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको सबसे ज्यादा क्लास मिलेगा प्रेफरेंस। और अगर आप प्लस से लेते हो एडमिशन, तो आपकी फीस कितनी है? 2 साल की फीस आपकी है दोस्तों 7800 रुपए, 7800 रुपए। और 1 साल की फीस है आपकी 6500 रुपए। और इसमें भी हमारा कोड आप लगाइए AVP10, आपको 10% का डिस्काउंट यहां भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्लस और आइकॉनिक फीचर के बारे में आपसे बता रहे थे। एक बात और गाइस, इस 20 तारीख को संडे आपका बैंक एग्जाम, SSC और रेलवे का कॉम्बैट है। कॉम्बैट का मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पे आपको प्राइज जीतने का मौका मिलता है। अगर आपको ये टेस्ट देना है, तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कॉम्बैट की, वहां पर जाइए और इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के लिए आपको हमारा कोड AVP10 लगाना है, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इनरोलमेंट आपको। और दोस्तों, अनअकैडमी ने आपके लिए डाउट फीचर लॉन्च किया है। डाउट फीचर का मतलब, अगर कुछ डाउट क्लास में पड़ती है आपको, तो डाउट का स्क्रीनशॉट लीजिए, आस्क डाउट ऑप्शन पे जाइए, वहां पे डाउट को अपलोड करिए, और आपको अनअकैडमी की तरफ से यहां से डाउट का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो ये सारे फायदे आपको मिलते हैं अनअकैडमी पर। और इसमें बड़ा फायदा, 10th फेब तक आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा बेनिफिट, 6 महीने पर 1 महीने का, 1 साल पर 3 महीने का, और 2 साल पे 6 महीने का एडिशनल फीचर आपको मिल रहा है। तो देर मत करिएगा, 10th फेब तक है ये। एडमिशन लेने के लिए हमारा कोड गाइस AVP10। अच्छा दोस्तों, पिछले साल मतलब जो एग्जाम्स हुए करंट अफेयर्स में, अगर जीए की बात करें, तो जीए काफी लेंथी आया, और मतलब हमको प्रॉपर इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने आपसे पहले वादा किया था कि जनवरी मंथ में आपको अच्छा खासा रिविजन करवाएंगे। दोस्तों, जनवरी मंथ में आपके रिविजन के लिए हमने एक क्लास शुरू की है आज रात में 11 बजे, जहां पर हम जनवरी मंथ का अपॉइंटमेंट रिवाइज करने वाले हैं बैंकर्स वे हमारे चैनल पे, ध्यान दीजिएगा। और अनअकैडमी स्पेशल पे एक क्लास हमारी है शाम को 5 बजे, ये क्लास है बिगिनर्स के लिए। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, उनके लिए क्लास है,
आपको जीए में क्या दिक्कत है, डाउट क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके लिए क्लास हमारी एक अनअकैडमी स्पेशल शाम को 5 बजे लगी है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्लास। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, आप देखो अक्टूबर मंथ से हमने डेटा लिया हुआ है और नेशनल अपॉइंटमेंट आपको आज पढ़ा रहे हैं, कल आपको हम पढ़ाएंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। क्लास को छोड़ेगा नहीं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आंसर देना, ठीक है। चलिए यहां क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे देश में पहले डीजी कौन अपॉइंट हुए हैं ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट, डीजी ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट। दोस्तों आपको बताइए कि हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 अलग अलग कंपनी में डिवाइड कर दिया है, इन 7 कंपनी के सुरक्षा के लिए डीजी अपॉइंट किए गए, नाम बता रहा है आपको, पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है। और हमारा आंसर क्या है, तो पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर है ईआर शेख, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ईआर शेख। तो ईआर शेख को अपॉइंट किया गया है पहला डीजी ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट, ठीक है, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, दूसरा क्वेश्चन आपका, फटाफट रिवीजन क्लास आपकी आई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर होगा रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रणवीर सिंह हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं सीधे, देखिए, नेम द न्यूली अपॉइंटेड एमडी एंड द सीईओ ऑफ द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिन्होंने जीवी नागेश्वर राव को रिप्लेस किया, ये रिप्लेस हुए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि एनएसडीएल के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, 5 ऑप्शन आपके सामने, आंसर हमारा क्या होगा, दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा, तो इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा होगा पद्मजा चंद्रू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखिए यहां पे हूज टेन्योर, अच्छा इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप पीडीएफ ले लीजिएगा, और क्लास खत्म होने के करीब आधे घंटे बाद हमारे कमेंट बॉक्स में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, काफी अच्छा कंटेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कौन अपॉइंट हुए, किनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है, एज एमडी ऑफ द दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। वी हैव 5 ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर, और आंसर हमारा होगा मंगू सिंह, ऑप्शन नंबर ई, मंगू सिंह ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहली बार फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ मेघालय, मतलब हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर नेटिव फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ मेघालय, यानी मेघालय के ही रहने वाली पहली चीफ सेक्रेटरी बनी है कौन, यह आपसे पूछा गया, नाम देखिए यहां पर, ईएसआईसी के लिए कि आप इस क्लास को फॉलो करें प्रॉपर। मैंने क्या बोला, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, नेशनल अपॉइंटमेंट, कल हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। मैं पूरा शेड्यूल बना चुका हूं आपकी क्लास का, कंटेंट बन रहे हैं पूरे, टॉपिक बाय टॉपिक एंड स्टैटिक जीए 2 आपको प्रॉपर यहां पर तैयारी करवाई जाएगी, आप कहीं और मत जाइए, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आंसर हमारा क्या है, रेबिका वेनेसा सुचियांग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये पहली महिला बनी है, वही की है, तो फर्स्ट फीमेल है, तो फर्स्ट यहां पे वर्ड लगा हुआ है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन क्या है, हु हैज टेकन चार्ज एज द एमडी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एलआईसी की एमडी, एलआईसी के एमडी कौन बने, ये आपसे पूछा गया, एलआईसी में एमडी कौन बने, ये आपसे पूछा गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर होगा बीसी पटनायक, ऑप्शन नंबर सी, बीसी पटनायक से पहले मिनी आईपे ये भी बनी थी। देखो एलआईसी में चार होते हैं एमडी, चार एमडी होते हैं, तो अभी 2 एमडी का नया अपॉइंटमेंट हुआ है, एक मिनी आईपे और एक आपका बीसी पटनायक, इन दोनों के नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ द एडवर्टाइजर, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया, आंसर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा सुनील कटारिया, ऑप्शन नंबर डी। मैं कल वाली क्लास में आपको प्रॉपर शेड्यूल दिखा दूंगा कि कौन से दिन हमारी कौन सी क्लास होने वाली है, ठीक है। सुनील कटारिया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड द सीईओ ऑफ द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल। क्रिसिल हमारे देश की रेटिंग एजेंसी है, इसके नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, यह आपसे पूछा गया, 8वां क्वेश्चन हमारा। दोस्तों
और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर क्या होने वाला है, अमीश मेहता ऑप्शन नंबर बी। अमीश मेहता क्रिसिल कंपनी के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिसिल का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, मुंबई में है। क्रिसिल का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टुक चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया है। मुख्य हाइड्रोग्राफर, चीफ हाइड्रोग्राफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी हैव फाइव ऑप्शन, व्हाट इज द आंसर। और आंसर की बात करें गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधीर अरोड़ा ऑप्शन नंबर बी। अधीर अरोड़ा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, यानी पश्चिमी वायु कमान के चीफ कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया। एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड कौन बने, आंसर हमारा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा हो जाएगा अमित देव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अमित देव ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरमैन कौन बने, ये आपसे पूछा गया है। मिनी आई पे ये LIC में MD बने, जिम्मेदार सबको है ना। आंसर हमारा क्या होगा, एंड आवर आंसर इज अशोक कुमार गुप्ता ऑप्शन नंबर डी। अशोक कुमार गुप्ता ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ टू रिप्लेस VR चौधरी। तो हमारे देश में नए वाइस चीफ कौन बनेंगे ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक, टू रिप्लेस VR चौधरी। यहां पर पांच ऑप्शन हमको मिल रहा है, आंसर हमारा क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन, आंसर की बात करें, आंसर इज संदीप सिंह ऑप्शन नंबर डी। संदीप सिंह ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रूप्ड होम एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, ये आपसे पूछा गया, और इसका आंसर होगा कंगना रनौत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द क्वाइन DCX। तो क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसे अपॉइंट किया गया, यह आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14। और हमारा आंसर होगा अमिताभ बच्चन ऑप्शन नंबर सी। अमिताभ बच्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तोशीबा इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ द तोशीबा इंडिया। तोशीबा इंडिया, तोशीबा कंपनी है, पता ही आपको। और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर होगा सुइची इटो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सुइची इटो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। हम आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहां पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव, भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया। पांच ऑप्शन आपके पास सामने, और आंसर हमारा होगा आलोक सहाय ऑप्शन नंबर बी। आलोक सहाय भारतीय इस्पात संघ के महासचिव अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द सेनको गोल्ड एंड डायमंड। सेनको गोल्ड एंड डायमंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पांच ऑप्शन आपके सामने, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर कियारा आडवाणी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कियारा आडवाणी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने, ये आपसे पूछा गया। भारतीय एयरटेल के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने, ये आपसे पूछा गया। पांच ऑप्शन हमारे पास, आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा सुमन रे ऑप्शन नंबर बी इज राय, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रूप में किसे अपॉइंट किया गया। पांच ऑप्शन आपके पास है, और आंसर हमारा होगा वी विजय साई रेड्डी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द MD ऑफ द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेस। रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रूप में किसे अपॉइंट किया गया, ये आपसे पूछा गया।
पांच ऑप्शन आपके पास, आंसर हमारा क्या होगा? एंड द आंसर इज राहुल मित्तल, ऑप्शन नंबर सी. राहुल मित्तल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. राहुल मित्तल, ठीक है. और इसे शॉर्ट नेम राइट्स बोलते हैं. राइट्स का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, कौन यहां पर सेक्रेटरी चुना गया, यह आपसे पूछा गया. 21वां क्वेश्चन, और हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर एम रविचंद्रन, ऑप्शन नंबर डी. एम रविचंद्रन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बस आपके सामने आ रहा तुरंत, बस एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट. एक्चुअली में इस बोर्ड में हैंडेड स्लाइड ऊपर लगा नहीं सकते हो आप, तो मुझे बार बार स्लाइड चेंज करनी पड़ती है, ठीक है. थोड़ी दिक्कत वाली बात है, एक मिनट लगेगा बस, स्लाइड आपकी चेंज हो जाएगी तुरंत. तो 22 क्वेश्चन, 21 तो मैंने कर लिए थे, 22 शुरू करना ना, हाँ यहां शुरू हो जाएगा फटाक से. देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे. आ जाओ भाई, ठीक है. नेक्स्ट 22-23 क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी. ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है. पीएम मोदी के नए सलाहकार के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? इनका नाम है अमित खरे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. अमित खरे हमारा सही आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ और पढ़ना नहीं है हमको बेसिकली. देखिए ये 2 साल के लिए अपॉइंट हुए अमित खरे, आपके एग्जाम में इतना डीप में नहीं आता, ईएसआईसी के एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं पूरे. Who has been appointed as the new CEO of the Energy Efficiency Service Limited? Energy Efficiency Services Limited, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, इसके नए CEO कौन बने, ये आपसे पूछा गया. New CEO, आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा हमारा अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अरुण कुमार मिश्रा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new chairman of the fintech company भारत पे. आजकल आप लोग शार्क टैंक देख रहे होंगे, तो शार्क टैंक में अशीन ग्रोवर आते हैं, ये फाउंडर है भारत पे के, है ना, देखते होंगे आप लोग भारत पे. आंसर हमारा क्या होगा? तो भारत पे के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी. रजनीश कुमार अपॉइंट हुए हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. इसके चेयरपर्सन दो, क्या बोला गया है, 21 से 24 की अवधि के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट चेयरपर्सन, और इनका नाम है प्रियंक कानूनगो, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ ओयो बोर्ड. ओयो बोर्ड, ओयो बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्वतंत्र निदेशक कौन बना, यह आपसे पूछा गया. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साक्षी मलिक. साक्षी मलिक, सॉरी दीपा मलिक, सॉरी दीपा मलिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. दीपा मलिक एथलीट है, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द ओयो बोर्ड. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है. दीपा मलिक 2016 में ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट थी, ठीक है, एथलीट है ये, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? हमारे पास 5 ऑप्शन, आंसर हमारा क्या होगा? तो आंसर हमारा होगा रितेश चौहान, ऑप्शन नंबर बी. रितेश चौहान ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been appointed as the new chairman of the Karnataka Bank Limited? Karnataka Bank Limited के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया. 5 ऑप्शन हमारे पास है, आंसर 4 ऑप्शन यहां पे है, आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा प्रदीप कुमार पंजा, ऑप्शन नंबर सी. प्रदीप कुमार पंजा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द MD एंड द CEO ऑफ द एक्सिस बैंक.
whose reappointment to the post has recently been approved by RBI. यानी एक्सिस बैंक के MD CEO का नाम बताइए, इन्हें दोबारा रिपॉइंट किया जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया। तो इसका सिंपल सा अमिताभ चौधरी ऑप्शन भाई, अमिताभ चौधरी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? पांच ऑप्शन हमारे पास है, आंसर हमारा क्या होगा? और इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा होगा गोविंद जैन, ऑप्शन नंबर बी। गोविंद जैन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ द रशियन फिल्म फेस्टिवल इंडिया? तो भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत कौन अपॉइंट हुए? इनका नाम वो जानते होंगे, आपने मूवी देखी जब वी मेट, जब वी मेट के डायरेक्टर इम्तियाज अली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन सोन इन एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ द नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने, ये आपसे पूछा गया, पांच ऑप्शन हमारे पास, और आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन पे आंसर होगा हमारा अमित रस्तोगी, ऑप्शन नंबर सी। अमित रस्तोगी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अपॉइंटेड आयुष्मान खुराना एज इट्स एम्बेसडर ऑफ फ्यूचर यही है कैंपेन? किस संगठन ने आयुष्मान खुराना को, ये एक्टर है, अपने कैंपेन फ्यूचर यही है का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा होगा क्वाइन DCX, ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने क्या पढ़ा था, अमिताभ बच्चन इज द ब्रांड एम्बेसडर, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन? ये भी अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया, पांच ऑप्शन, और आंसर हमारा होगा सहदेव यादव, ऑप्शन नंबर डी। सहदेव यादव ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम? भारतीय टीम के बॉलिंग कोच कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया। इनका नाम है पारस मांबरे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पारस मांबरे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द वन प्लस इंडिया रीजन ऑपरेशन एज वेल एज द CEO ऑफ द वन प्लस इन इंडिया? मतलब वन प्लस जो कंपनी चाइनीज कंपनी है, इंडिया वाला जो उसका पार्ट है, उसमें CEO कौन बनेगा, ये आपसे पूछा गया। इनका नाम क्या है, इनका नाम है नवनीत नकरा, ऑप्शन नंबर डी। नवनीत नकरा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ द इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड? इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए MD कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया, पांच ऑप्शन, आंसर हमारा क्या होगा? एंड द आंसर इज आलोक मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, आलोक मिश्रा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been roped in as the brand ambassador of the Realme? Realme company के brand ambassador कौन बने? तो Realme company के brand ambassador बने हैं KL Rahul, option number B हमारा सही answer। Next question, Who has been appointed as the new MD and the group CEO of rating agency ICRA? अभी हमने क्रिसिल पढ़ा था ना, क्रिसिल, क्रिसिल के बाद ICRA, तो ICRA company के नए MD और CEO कौन बने, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा रामकंत कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रोप्ड इन एज द न्यू CEO ऑफ द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये टॉप्स स्कीम के बारे में बात हो रही गाइस। तो टॉप्स स्कीम जो है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसके नए CEO कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपसे पूछा गया, आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा होगा पीके गर्ग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पीके गर्ग ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हुम एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? ये अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कौन अपॉइंट हुआ, यह आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर होगा केवी कामत, ऑप्शन नंबर बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम सकता है, केवी कामत ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द मिजोरम? मिजोरम के नए मुख्य सचिव कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया है। हालांकि स्टेट लेवल के क्वेश्चन बनते नहीं एग्जाम में, फिर भी आप देख लीजिएगा। तो आंसर होगा रेणु शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, रेणु शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट? चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए, ये आपसे पूछा गया।
और आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा हमारा सुनील पालीवाल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सुनील पालीवाल हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए, ये आपसे पूछा गया। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज द सुभाष कामत, ऑप्शन नंबर ई। सुभाष कामत ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास जी अप टू विच ईयर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का अभी टाइम पीरियड बढ़ाया गया है, कब तक के लिए बढ़ाया गया, ये आपसे पूछा गया। पांच ऑप्शन हमारे पास है और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर हो जाएगा 2024। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक? जेएनके बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने, ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर होगा बलदेव प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फायर बोल्ट? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फायर बोल्ट कौन बना, ये है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन? क्या पूछा गया? उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक और उपकरण निर्माता संघ के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, आंसर हमारा क्या होगा? एरिक ब्रिगेंजा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए यहां पे रुक जाओ, मैंने क्या बोला, थोड़ी मजबूरी है यहां पे, केवल सोच लग सकती है तो यार थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बट आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, है ना। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग। छोटे एजुकेटर को छोटा बोर्ड मिलता है, बड़ों को बड़ा मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। बस हो रहा, नहीं दो नष्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द क्वाइन स्विच कुबेर? क्वाइन स्विच कुबेर कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, ये आपसे पूछा गया और इसका आंसर होगा रणवीर सिंह। अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह में कन्फ्यूज होना, अमिताभ बच्चन क्वाइन डीसीएक्स और ये क्या है, क्वाइन स्विच कुबेर, दोनों में अंतर है, ठीक है, देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ेंगे इस और बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द केपीएमजी इंडिया? केपीएमजी इंडिया के सीईओ कौन बने, कंपनी है ये, छोटा क्वेश्चन है। आंसर यसदी नागपुर वाला, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की अपॉइंटेड होम एज इट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने, डीजी कौन बने? फिक्की ने किसे अपना नया महानिदेशक अपॉइंट किया है, महानिदेशक अपॉइंट किया है, आंसर हमारा क्या होगा? तो इस क्वेश्चन पे आंसर हमारा होगा अरुण चावला, ऑप्शन नंबर डी। अरुण चावला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल रिप्लेस जेश स्टैली एज द सीईओ ऑफ द बार्कले विथ इमीडिएट इफेक्ट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बार्कले, हालांकि ये हाँ ठीक है, बार्कले कंपनी के नए सीईओ कौन बने, ये आपसे पूछा गया। तो हमारा आंसर हुआ क्या, सीएस वेंकट कृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। सीएस वेंकट कृष्णन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्कले का हेडक्वार्टर लंदन में है दोस्तों, ठीक है। बार्कले एक बहुत बड़ी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक भी इसका है। Who has been appointed as the chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, ठीक। Chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal और इनका नाम है अशोक भूषण, ऑप्शन नंबर बी। अशोक भूषण ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following has been appointed as the new president of the National Company Law Tribunal?
यहां पे आप एनसीएलटी की बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की आप बात कर रहे थे, हां दोनों में अंतर है। तो इसके कौन बने हैं? इनका नाम है रामलिंगम सुधाकर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज अनाउंस सिंगर जुबीन गर्ग एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द बैंक इन आसाम, यानी आसाम के लिए ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका आंसर होगा बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हेड कोच। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर आईपीएल टीम, उसके हेड कोच कौन बने, आपसे पूछा गया। आंसर संजय बांगड़, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है केकेआर। केकेआर हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज अ सीनियर एडवाइजर टू केकेआर, यानी वैश्विक फर्म है केकेआर, इसने किसको अपॉइंट किया है अपने एडवाइजर के रूप में, क्या इसका आंसर होगा? एडवाइजर हमारा आंसर क्या होगा? आंसर इज केवी कामत, ऑप्शन नंबर ए। केवी कामत ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द एमडी ऑफ द पीटीसी इंडिया लिमिटेड। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा हमारा राजीव कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर ई, पीटीसी इंडिया। राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया, राजीव कुमार मिश्रा पीटीसी इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस एज टीम इंडिया टी20 इंटरनेशनल कैप्टन? रोहित शर्मा, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े गाइस, देखिए यहां पे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स? ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा शील वर्धन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। शील वर्धन सिंह ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ द एनडीआरएफ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के डीजी कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया। इनका नाम है अतुल करवाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ? भारतीय नौसेना के नए चीफ कौन अपॉइंट हुए, आपसे पूछा गया। इनका नाम है आर हरिकुमार, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एमवे इंडिया? एमवे इंडिया नाम सुना आपने, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आंसर इज अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑन अ डेपुटेशन बेसिस? ठीक है, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कौन अपॉइंट हुआ है? आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा सत्य नारायण प्रधान जी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सत्य नारायण प्रधान ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इनका नाम क्या है? इनका नाम है पीसी मोदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पीसी मोदी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द माई 11 सर्किल? माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये बने मोहम्मद सिराज, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द मिंत्रा? आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब किसी कंपनी के पूछा जा रहा है। आंसर होगा हमारा नंदिता सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। सीईओ ऑफ द मिंत्रा नंदिता सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड द मेंटोर ऑफ द किड्स स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्लेटो? प्लेटो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो राहुल द्रविड़ बने हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल न्यू डिजिटल कैंपेन? अगर तैयारी सही हो तो जीत पक्की है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है, इसका एक कैंपेन है, अगर तैयारी सही हो तो जीत पक्की है। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रॉम द असम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, भारत सरकार ने हमारे देश में एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एंड मतलब जो ईडी आपके होते हैं, ईडी और सीबीआई, इनके जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया, ये आपसे पूछा गया।
यानी अब हमारे देश में सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर जो होते हैं वो इतने साल तक अपने पद पे बने रह सकते हैं। कितने साल तक? 5 साल तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हु गॉट अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नोवो नॉर्डिस्क इंडिया? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को नोवो नॉर्डिस्क इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया? आंसर होगा हमारा कपिल देव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कपिल देव है ऑप्शन नंबर ए। Who has been appointed as the brand ambassador of the Hercules basket? तो ये ऋषभ पंत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the brand ambassador of the SDMC? ये साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन्होंने सफाई के लिए, तो इनका नाम क्या है? जसबीर जस्सी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Who has been roped in as the new chief of the National Cricket Academy in Bengaluru? पहले यहां पे राहुल द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़ अब इंडियन मेंस टीम कोच बन गए, तो ये प्लेस जो है वो लक्ष्मण को दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड एक्टर नाम बताइए इज टू बिकम द कोविड वैक्सीन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र? आंसर इज सलमान खान। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ट्राइब्ड आदि महोत्सव? तो ट्राइब्ड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर थी मैरी कॉम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Who has been appointed as the new chief technology officer of the Fincare Small Finance Bank? Fincare Small Finance Bank के नए CTO, chief technology officer कौन बने? और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीनाथ सत्यनारायण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Fincare Small Finance Bank। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been elected as the first woman president of the Indian Mountaineering Foundation? यानी भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यह अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बिल्कुल। और इस क्वेश्चन पे हमारा आंसर होगा हर्षवंती बिस्ट। ऑप्शन नंबर बी। हर्षवंती बिस्ट ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द ट्विटर? आंसर हमारा क्या होगा? पराग अग्रवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है 245, है ना? तो कल भी हम देखेंगे, कल मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूंगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक आती है और बढ़ती है तो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे इसके। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे यहाँ। पीडीएफ आपको थोड़ी देर में आपके कमेंट बॉक्स मिल जाएगी नीचे।